हेलो स्टूडेंट्स आई एम रुचकर फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी आज के सेशन में हम क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर फाइव स्टार्ट करेंगे नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिगो सो वी विल स्टडी दिस चैप्टर आल्सो इन पार्ट्स एंड हियर वी विल सी पार्ट वन वे विल डिस्कस पेजेस फोर्टी टू फोर्टी एट तो ये जो कहानी है इंडिगो ये किसकी कहानी है महात्मा गांधी जी की कहानी है कैसे उन्होंने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल शुरू की इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स वो कैसे शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी चंपारण मूवमेंट से और उसी के बारे में गांधी जी ने यहाँ पर बताया है कि किस रीजन की वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा कि इंडिया छोड़कर जाओ तो यहां पर हमें ये पता लगता है कि कैसे महात्मा गांधी जी की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुई फ्रीडम स्ट्रगल में और जो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल है उसे स्टार्ट करने का जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या था किस वजह से किस रीजन की वजह से उन्होंने ये फ्रीडम स्ट्रगल शुरू की वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इसके जो राइटर हैं लुई फिशर ये एक इंग्लिश मैन थे ये इंडिया आए हुए थे एंड ही वाज रियली बाय गांधी जी इन्होंने गांधी जी के यहाँ पर बहुत समय भी बिताया और उनकी इंटरव्यू ली जो यहाँ पर उन्होंने चैप्टर में हमें बताई है लुई फिशर एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इसी बुक से ये पार्ट लिया गया है इन चैप्टर इंडिगो सो लेट अस बिगिन व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश इट वॉज इन नाइनटीन सेवनटीन सो लुई फिशर टेल्स के जब वो गांधी जी के आश्रम में गए थे इन दर नाइनटीन फोर्टी टू गांधी जी का आश्रम जो सेवा ग्राम में लोकेटेड है साबरमती नदी के किनारे ये जो एरिया है ये अहमदाबाद में पड़ता है तो जब वो गांधी जी से मिलने गए थे 1942 में तब उन्हें गांधी जी ने बताया था कि उनकी फ्रीडम स्ट्रगल कैसे शुरू हुई 1917 में शुरू हुई थी जब उन्होंने ये फैसला किया कि वो ब्रिटिशर्स को कहेंगे कि भारत छोड़कर चले जाओ अर्ज मींस टू आस्क फॉर समथिंग एंड सेंट्रल इंडिया यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि हमें पता है जो स्टेट है गुजरात का वो इंडिया को अगर हम डिवाइड करें नॉर्थ से साउथ के बीच में तो वो सेंट्रल एरिया में आता है गुजरात मध्य प्रदेश देन यू हैव बिहार झारखंड सो ऑल दैट बेल्ट लाइज इन सेंट्रल इंडिया सो येव कम टू नो That Louis is us के 1942 में जब वो गांधी जी को मिलने गए थे उनके आश्रम में सेवा ग्राम में तब गांधी जी ने उन्हें बताया कि 1917 में उन्होंने जब को कहा कि तुम भारत छोड़ के चले जाओ उसका क्या रीजन था। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. तो अब महात्मा गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनुअल कन्वेंशन पर गए हुए थे कन्वेंशन जहां पे सारे मेंबर्स होकर डिस्कशन करते हैं। ये हुई थी दिसंबर नाइनटीन में लखनऊ में वहां पर टोटल 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे और बहुत सारे विजिटर्स भी थे तो एक बहुत ही बड़ी कन्वेंशन थी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड अट के मू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया पुअर एंड इमेसिटेड एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला तो अब गांधी जी कहते हैं कि जब ये कन्वेंशन चल रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तब वहां पर एक पीजेंट आया पीजेंट क्या है अ पुअर फार्मर तो इस पीजेंट की लुक्स भी वैसी ही थी जैसे किसी भी ऑर्डनरी पीजेंट की होती हैं वो कैसा था देखने में पुअर एंड इमेसिएटेड इमेसिएटेड मीन्स वेरी थिन बहुत ही ज्यादा पतला मे बी ड्यू टू इलनेस और लैक ऑफ फूड तो बहुत ही ज्यादा पतला था हो सकता या तो वो बीमार था या फिर उसे खाने को फूड नहीं मिलता था तो इस तरह की लुक्स थी इस पिजेंट की और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया आई एम राजकुमार शुक्ला तो उसका नाम था राजकुमार शुक्ला आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट गांधी हट ने हर्ड ऑफ द प्लेस तो राजकुमार शुक्ला ने कहा कि मैं चंपारण से हूं और आपको मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चलना पड़ेगा गांधी जी ने इस जगह का नाम पहले कभी नहीं सुना था यहाँ आप देख सकते इंडिया के मैप पर यहाँ पर चंपारण लोकेटेड है इट इज इन बिहार बिहार के नॉर्थ वेस्ट एरिया में नेक्स्ट टू नेपाल यहाँ पे कहीं चंपारण डिस्ट्रिक्ट है इट वॉज इन द फोट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल फर्दर हमें गांधी जी बताते हैं कि चंपारण की लोकेशन कहाँ थी हिमालया के फोर्ट हिल्स में था नियर द किंगडम ऑफ नेपाल दिस इज नेपाल तो इसके पास ही बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट था अंडर एन एशियंट अरेन्जमेंट द चंपारण पीजें वर शेयर क्रॉपर्स राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ दम यहां आप देख सकते हैं ये एक स्टैंप है जो राजकुमार शुक्ला की मेमोरी में रिलीज की है भारत सरकार ने इन द ईयर 2018। नाउ हु इज अ शेयर क्रॉपर एनी पीजेंट एज अ टेनेंट टेनेंट मींस लैंड के ऊपर वो काम करता है उसने वो लैंड किराए पे लिया हुआ है और वो जो भी प्रोड्यूस करता है पे इज अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस एज रेंट अब वो किराया क्या देता है जो भी वो उगाता है अपने खेत पर उसका एक पार्ट वो पे कर देता है अपने लैंडलॉर्ड को एज रेंट दिस इज अर क्रॉपर अब चंपारण में बहुत सारे पीजेंट थे वो एक पुराने अग्रीमेंट के अंडर क्या करते थे शेयर क्रॉपिंग करते थे मीन्स वो टेनेंट्स की तरह किसी लैंड पर फार्मिंग करते थे और जो भी प्रोड्यूस होता था उसका एक हिस्सा लैंडलॉर्ड को दे देते थे राजकुमार शुक्ला भी ऐसा ही शेयर क्रॉपर था डिटर्मिट तो राजकुमार शुक्ला अनपढ़ था लेकिन उसमें डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा थी हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंड सिस्टम इन बिहार एंड समबी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कन्वेंशन में इसीलिए आए थे ताकि वो जो इनजस्टिस हो रही है बिहार में लैंडलॉड सिस्टम की वजह से उसका कुछ कम्प्लेन करना चाहते थे और चाहते थे कि उनको मदद मिले तो वहीं पर कन्वेंशन में किसी ने उन्हें कहा कि गांधी से बात करो इसीलिए वो गांधी जी के पास आ गए अब हम आगे लेसन पढ़ते हैं देखिये कानपुर के स्पेलिंग्स और आज की में हम कानपुर के स्पेलिंग्स ऐसे लिखते हैं तो जो ब्रिटिश थे इंडिया में वो सारे सिटीज के नाम अलग वे से स्पेल करते थे तो ये ब्रिटिश स्पेलिंग्स है कानपुर के जबकि आज की डेट में हम ऐसे लिखते हैं सिटी सेम है अब गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला से कहा कि उन्हें कानपुर जाना है और और भी बहुत जगह जाना है मीन्स उन्होंने उन्हें कहा कि वो उनके साथ चंपारण नहीं जा सकते शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद तो राजकुमार शुक्ला जी ने क्या किया वो गांधी जी के साथ साथ सभी जगह जाते रहे फाइनली गांधी जी वापस अपने आश्रम चले गए अहमदाबाद में शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड अब राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ उनके आश्रम भी चले गए इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि वो गांधी जी के साथ ही रहे इसी से हमें पता लगता है कि वो कितने रेजोल्यूट थे जब उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो गांधी जी को अपने साथ चंपारण लेकर जाएंगे तो वो उनके साथ ही रहे उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा जब तक कि गांधी जी फ्री ना हुए फिक्स अ डेट ही बैग वो गांधी जी से एक ही चीज मांगते थे कि प्लीज एक डेट फिक्स कर दो जिस दिन आप मेरे साथ चंपारण चलोगे इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी गांधी सेट आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम दे टेनेसिटी अगेन मीन्स डिटर्मिनेशन अब गांधी जी बहुत इम्प्रेस हो गए थे कि राजकुमार शुक्ला में कितनी डिटर्मिनेशन है कितना दृढ़ निश्चय किया हुआ इन्होंने फाइनली उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर डेट को मैंने कैलकटा जाना है तो तुम कैलकटा आ जाना वहां से मैं तुम्हारे साथ चंपारण चलूंगा मंथस पास्ट शुक्ला वॉर सिटिंग ऑन हिज हॉन्चिज एट दी अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकटा वेन गांधी जी अराइव ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री सिटिंग ऑन हिज हॉन्चिज मींस जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पैरों भार बैठना जिसे हम कहते हैं पाओ भार बैठना तो बहुत सारे महीने गुजर गए उसके बाद वो डेट आई जिस दिन गांधी जी ने कलकत्ता जाना था और जब गांधी जी कैलकटा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजकुमार शुक्ला वहां ऑलरेडी मौजूद है और वो इस तरह से बैठे हुए हैं और गांधी जी का वेट कर रहे हैं और फिर उन्होंने इंतजार किया जब तक के गांधी जी फ्री हुए देन द टू ऑफ दे ट्रेन फॉर द सीटी इन बिहार फिर दोनों ने पटना के लिए ट्रेन ली देख टू दाउसाट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया अब जब वो लोग पटना पहुंच गए वहां पर शुक्ला जी गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए वो उन दिनों एक लॉयर हुआ करते थे और बाद में वो कांग्रेस के और भारत के पहले pehle president bane Rajendra Prasad was out of town but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help their indigo sharecroppers Yeoman yahan par, here in the lesson it means a poor peasant and pestered means बार बार बोलकर किसी को तंग करना डिस्टर्ब करना बार बार रिक्वेस्ट करके अब राजेंद्र प्रसाद शहर में नहीं थे और उनके सर्वेंट्स को यह पता था कि राजकुमार शुक्ला एक गरीब सा पेजेंट है जो कि हर वक्त उनके मालिक को तंग करता रहता है क्योंकि वो उनसे मदद मांगता रहता है इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के लिए तो यहाँ पर इंडिगो क्या है इंडिगो एक प्लांट है इस प्लांट में से ब्लू कलर का डाई बनता था जिसे इंडिगो कहा जाता है जिससे कपड़ों को डाई किया जाता था सो लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद कंपेनियन गांधी whom दे took टू to बी another पेजेंट तो अब उनके सर्वेंट्स ने उन्हें परमिशन दे दी कि ठीक है तुम उनका इंतजार करो और उनके साथ जो कंपेनियन थे गांधी जी उन्हें लगा कि वो भी एक पेजेंट है बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वॉटर फ्रॉम द वेल lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable lekin gandhi ji ko लेकिन baki sab को भी बाकी सब की तरह ये permission नहीं थी कि वो kuwe में से पानी निकाल लेंगे एक्चुअली पुराने टाइम्स में अनटचेबिलिटी की प्रथा थी इसलिए जो dalits होते थे जो लोअर क्लास के लोग होते थे उन्हें किसी भी चीज को छूने की परमिशन नहीं थी तो उन सर्वेंट्स ने गांधी जी को भी बाल्टी को छूने की परमिशन नहीं दी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो एक अनटचेबल नहीं है उन्होंने तो यही सोचा था कि गांधी जी भी एक पुअर पेसेंट है गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज इन रूट टू चंपारण टू अपटेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन दैट शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग एन रूट मींस ऑन द वे चंपारण के रास्ते में एक और जगह आती है मुजफ्फरपुर यहां पर अगर आप मैप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये है मुजफ्फरपुर और ये है चंपारण और यहां पर है पटना तो अब इन्होंने पटना से चंपारण जाना था तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो रास्ते में मुजफ्फरपुर जाएंगे और वहां पर वो और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे, थे चंपारण के प्रजेंट्स के बारे में उन्हें लग रहा था कि शायद राजकुमार शुक्ला उन्हें सारी इंफॉर्मेशन ना दे सके इसलिए वो और ज्यादा कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए मुजफ्फरपुर जाना चाहते थे ही अकॉर्डिंगली सेंटर टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर शांति निकेतन स्कूल तो गांधी जी ने जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा जेबी कृपलानी प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में और उनसे गांधी जी की मुलाकात हुई थी रविन्द्रनाथ टेगोर के शांति निकेतन स्कूल में अब हम रविंद्रनाथ टेगोर के बारे में तो जानते ही हैं। उन्होंने कोलकाता के पास वेस्ट बंगाल में एक स्कूल बनाया है जिसका नाम है शांति निकेतन और आज की डेट में ये एक यूनिवर्सिटी बन गया है इसका नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी इसकी लोकेशन है अराउंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कोलकाता This university was established by Rabindranath's father, Maharshi Debendranath Tagore and then Rabindranath Tagore ne ise expand kiya. The train arrived at midnight 15 April 1917. Criplani was waiting at the station with a large body of students. तो मिडनाइट को 15 अप्रैल 1917 को गांधीजी की ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची वहां पर रेलवे स्टेशन पर क्रिप्लानी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ गांधी जी का इंतजार कर रहे थे गांधी देयर फॉर टू डेज इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल दो दिन के लिए गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर पर रहे जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे इट वॉज एन एक्सट्रॉडनरी थिंग इन दो गांधी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू मी हार्बर अस टू शेल्टर और हाइड गांधी जी कहते हैं कि बहुत ही बड़ी बात थी कि गवर्नमेंट स्कूल का टीचर गांधी जी जैसे व्यक्ति को अपने घर में शेल्टर दे गांधी जी जैसा व्यक्ति मींस वो व्यक्ति जो कि प्रेजेंट जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार थी उसके अगेंस्ट था और जो इंडिया में इंडियंस की ही सरकार बनाना चाहता था इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस अफ्रेड टू शो सिंपथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल होम रूल के एडवोकेट्स मीन्स दो पीपल वमेंट ऑफ द ओन सिटीजन्स तो इंडिया में क्या होगा ऐसे व्यक्ति जो चाहते हैं कि इंडियंस की ही सरकार बने इंडिया में वो होंगे एडवोकेट्स ऑफ होम रूल तो गांधी जी कहते हैं कि जितनी भी स्मॉलर लोकेलिटीज थी वहां पर जो लोग थे वो गांधी जी जैसे व्यक्तियों के साथ सिंपथी दिखाने से डरते थे किससे डरते थे वो ब्रिटिशर्स से डरते थे The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Advent means arrival. अब गांधीजी के आने की खबर सारे तरफ फैल गई, Muzaffarpur से लेकर Champaran तक ये खबर फैल गई कि गांधीजी पुआ पिजंट्स की मदद करने के लिए आ रहे। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. ऑन फूड मीन्स पैदल चलकर आना बाई कन्वे बाई एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक टोंगा और रिक्शा तो जो भी शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण से वो अपने चैंपियन को यानी कि ऐसा व्यक्ति जो उनके लिए लड़ने वाला था जो उनका पक्ष लेने वाला था उसको मिलने के लिए उसको देखने के लिए चंपारण से मुजफ्फरपुर के लिए चल पड़े मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम देवेंटली रिप्रेजेंटेड इन कोर्ट दे टोल्ड हिम अबाउट एंड रिपोर्टेड मुजफ्फरपुर में जितने लॉयर्स को मिले उन्हें ब्रीफ करने के लिए यानी के उन्हें सारी डिटेल्स बताने के लिए क्या मैटर है कौन कौन इन्वॉल्व है क्या होता है वो सारी जो निटीग्रिटीज है वो बताने के लिए जितने भी लॉयर्स थे वो गांधी जी से मिले अब ये जो लॉयर्स हैं ये कोर्ट में पेजेंट्स का केसेस लेकर जाते थे और इनसे बहुत बड़ी फीस भी लिया करते थे बेचारे गरीब से पेजेंट है उन्होंने भी इन एडवोकेट्स को बहुत सारी फीस देनी पड़ती थी गांधी द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स चिडेड मीन्स स्कोल्डेड गांधी जी ने इन सब वकीलों को डांटा कि तुम बेचारे गरीब शेयर क्रॉपर्स से इतनी बड़ी बड़ी फीस लेते हो तुम्हारी गलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कोई व्यक्ति जो मुसीबत में उसकी मदद करने के लिए तुम्हें उससे इतनी ज्यादा फीस नहीं लेनी चाहिए कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट गांधी जी ने यह कहा कि हमें कोर्ट में नहीं जाना चाहिए इससे पेजेंट्स को कोई फायदा नहीं होगा टेकिंग सच केसेस टू द good where गुड peasants are आर सो क्रश्ड एंड stricken यूजलेस उन्होंने कहा कि इन केसेस को कोर्ट में ले जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो पिजेंट है वो इतने क्रश्ड हैं, इतने दबे हुए हैं ऑप्रेस्ड हैं, और इतने ज्यादा फियर स्ट्रिकन हैं, इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि कोर्ट जाने का कोई फायदा ही नहीं है अब कोर्ट में तो वो व्यक्ति जाएंगे जो दोनों पार्टीज इक्वल लेवल पर है वो तो जाकर कोर्ट में लड़ सकती हैं, लेकिन यहां पर क्या है यहाँ पे जो पिजेंट्स हैं वो तो बहुत ही नीचे के लेवल पे हैं और जो उनके ऑपोजिट है जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो बहुत ही ऊंचे लेवल पे हैं तो जब इनका लेवल ही इक्वल नहीं है तो इन्हें जस्टिस नहीं मिलेगी कोर्ट में ये गांधी जी का मानना था फर्दर उन्होंने कहा द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फेयर तो उन्होंने कहा कि इन पिजेंट्स का जो असली रिलीफ है इन्हें रिलीफ कैसे मिलेगा जब ये निडर हो जाएंगे जब इनके अंदर जो डर है वो खत्म हो जाएगा वो निकल जाएगा तभी वो एक इक्वल लेवल पर आकर किसी से बात कर सकते हैं तभी वो जस्टिस एक्सपेक्ट कर सकते हैं सबसे पहले उनके अंदर का जो डर है वो खत्म होना चाहिए सो वी कम टू दार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर विल कंटिन्यू द स्टोरी इन द नेक्स्ट पार्ट थैंक यू